नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय उपाध्याय। मैं इस वक्त बेंगलुरु में हूं और बेंगलुरु के अंदर जो इसरो का इस्ट्रैक केंद्र है, यानी वो जगह जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ट्रैक किया जा रहा है। भारत से जुड़ा हर व्यक्ति, भारत को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, भारत में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति इस समय नजरें लगाए हुए हैं इस ट्रैक से आने वाली खबरों पर और साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर, क्योंकि इस लैंडिंग के साथ भारत इतिहास रचने जा रहा है। तो इस वक्त चंद्रयान कहाँ है, कैसे इसकी लैंडिंग होगी, यही कुछ समझाने की कोशिश आपको मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये लैंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ होने वाला है और अब तक आखिर क्या हुआ है। तो इस समय अंतरिक्ष में, या कहा जाए चंद्रमा के आसपास, इस समय चंद्रमा की कक्षा के अंदर जो विक्रम लैंडर है, या इस मिशन मून का, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, वो लैंडर मॉड्यूल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसकी कक्षा है 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर जब इसकी चंद्रमा की सतह से दूरी होगी तब इसकी लैंडिंग होगी और इसकी लैंडिंग को इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन ये सफर बेहद खास रहा है, चंद्रयान 3 का एक सफर, कहा जाए एक हौसले की उड़ान है, क्योंकि महज 6 दशकों में अगर देखा जाए तो भारत ने एक नया कामयाबी का अध्याय लिखा है। अगर अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से बात की जाए, 2008-09 का वो वक्त था जब भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और ये एक इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोब था जिसके जरिए भारत ने दुनिया को एक बड़ी सफलता दी, ये बताते हुए कि चंद्रमा पर पानी। उसके बाद 2019 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन फिर भी भारत के लिहाज से, भारत की तकनीक के लिहाज से कहा जाए तो भारत ने साबित कर दिया कि वो चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर को स्थापित कर सकता है। लैंडिंग के बेहद करीब पहुंचने के बाद नाकाम जरूर हुआ था, लेकिन उसने भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो दे दिए थे इसरो को और उसी के आधार पर दो चंद्रयान 3 की जो आधारशिला है वो रखी गई। और चंद्रयान 3 की आधारशिला जब रखी गई तब उसके अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। तो देखिए, 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:45 और 17 सेकंड का वो वक्त था जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और ये एलवीएम मार्क 3 रॉकेट जिसे लॉन्च किया गया था वो इस तरीके से धुएं का गुबार उड़ाता हुआ लिफ्ट ऑफ हुआ था और उसके बाद कुछ इस तरीके से इस रॉकेट के अंदर, यहाँ इसके शीर्ष के ऊपर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, ये दोनों इस तरीके से सुरक्षित रखे गए थे। यानी इस हिस्से को अगर आप बड़ा करके देखें तो आपको इस तरीके की ये दोनों जो पोर्शन है वो नजर आते हैं, यानी ये वो प्रोपल्शन मॉड्यूल था और ये वो लैंडर मॉड्यूल था। इसके बाद चंद मिनटों के अंदर ही, यानी कहा जाए ये जो टाइम है ये करीब करीब 305 सेकेंड के अंदर ये पहुंच गया था इस कक्षा के अंदर। यहां तक सेपरेशन हो चुका था और उसके बाद करीब 969 या 970 सेकेंड के आसपास का वक्त था, यानी करीब करीब 15-17 मिनट के अंदर, यानी सबसे पहले ये रॉकेट यहां से छोड़ा गया। उस रॉकेट के जो डिफरेंट स्टेजेस थे, ये दोनों जो रॉकेट्स हैं ये इसके साथ अलग हुए, इसके बाद ये आगे बढ़ता है। यहां से ये जो दोनों शेल थी, जो कवरिंग थी, जो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के ऊपर लगी हुई थी, वो हट जाती है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है और उसके बाद यहाँ से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग अलग होके आगे बढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी 15 जुलाई के बाद इसने कक्षा में प्रवेश कर लिया था, धरती की कक्षा में, और ये धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। और ये देखिए, आप ये लाल रंग की जो आपको रिंग्स दिख रही हैं ये वो रिंग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 रिंग्स के जरिए इसने धरती के कई चक्कर लगाए और इन चक्करों को लगाने के बाद धीरे धीरे इसका ऑर्बिट बढ़ाया गया। इसे एपोजी और पेरिजी कहा जाता है अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में, और एपोजी पेरिजी का मतलब होता है धरती के पास वाला हिस्सा, और एपोजी का मतलब होता है धरती से जो इस कक्षा का सबसे दूरस्थ हिस्सा है वो। और उसके बाद इसने चक्कर लगाते 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 ये करीब 1 अगस्त का वो वक्त था जब 1 अगस्त 2023 को इसने सफर शुरू किया चंद्रमा के करीब जाने का, और यहां से करीब 4 दिन का सफर पूरा करके ये 5 अगस्त को पहुंचा चंद्रमा की कक्षा में। और चंद्रमा की कक्षा के बाद इसने फिर चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू किए, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5,
यानी इन पांच चक्रों के बाद इसकी डी ऑर्बिटिंग की गई, इसके ऑर्बिट्स को छोटा किया गया। देखिए आप, यहां पर जैसे इसके ऑर्बिट्स को बढ़ाया गया, उसी तरीके से यहां पर इसके ऑर्बिट्स को घटाया गया। और ये भारत ने कहा जाए स्लिंगशॉट टेक्नोलॉजी, इस स्लिंगशॉट टेक्नोलॉजी के साथ में ये भारत ने अंतरिक्ष का एक श्योर शॉट स्टेप लिया है। स्लिंगशॉट यानी जैसे आप किसी रस्सी के अंदर, किसी डोर के अंदर आप पत्थर को बांधें और उसके बाद इस तरीके से घुमाते हुए उसे फेंके, तो वो अधिक दूर तक जाता है क्योंकि उसके साथ एक सर्कुलर एनर्जी जो होती है वो भी उसके साथ जुड़ जाती है। और इस तरीके से इसको रॉकेट बर्न्स के जरिए, यहाँ पर जो रॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ जो इंजन्स लगे हुए हैं, इन इंजन्स को बर्न करके या उनके जो जोर है उससे इसे आगे बढ़ाया गया और उसी के बाद उसकी ताकत के सहारे ही इस चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया गया। उसके बाद चंद्रमा की कक्षा के अंदर धीरे धीरे इसकी कक्षाओं को घटाया गया। तो अभी आखिर ये कहाँ है, तो आप देखिए 20 जुलाई को इस तरीके से इसकी कक्षा थी, उसके बाद इसकी कक्षा धीरे 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 बढ़ती जा रही है, जब धरती के करीब था ये, और उसके बाद 5 अगस्त को जब ये चंद्रमा के करीब पहुंचा तो इस तरीके से कुछ इसकी स्थिति थी। और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद इसके मून बाउंड मनूवर शुरू हुए, यानी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इसने अपनी दूरी को चंद्रमा के करीब घटाना शुरू किया। और उसके बाद 14 अगस्त, फिर 16 अगस्त और 17 अगस्त को जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल है वो दोनों अलग अलग हो गए। यानी यहां से ये जो चंद्रयान 3 की टीम थी वो बट गई और ये दो हिस्सों के अंदर बट गई कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये लैंडर मॉड्यूल, ये दोनों अलग अलग हो गए इस तरीके से। ये लैंडर मॉड्यूल है और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यहां से ये दोनों अलग हो गए। और अलग होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से 17 अगस्त को दोपहर 1:15 की स्थिति थी जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल इस कक्षा के अंदर 153 किलोमीटर की कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन या इनकी दूरी को बढ़ाया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो लैंडर मॉड्यूल है उसकी जो कक्षा है उसको और घटाया गया, उसे डी बूस्ट किया गया। यानी आप देखिए यहाँ पर ये 153 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर पे है और उसके बाद ये चंद्रमा से और करीब पहुंच गया, यानी 20 अगस्त के बाद से 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर की कक्षा के अंदर ये चक्कर लगा रहा है। और अब लैंडिंग की तैयारी है। 23 अगस्त 2023 बुधवार को शाम 6:04 का वो वक्त होगा जब चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी लैंडिंग होगी। और इस लैंडिंग की जो तमाम कवायद है वो इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर बेंगलुरु से होगी और इसरो के सभी सैटेलाइट और सभी लॉन्च की जो निगरानी है, उनकी जो ट्रैकिंग होती है वो इसी जगह से की जाती है। और यहाँ पर केवल इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो डिश एंटेनाज है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जो और ट्रैकिंग नोड्स हैं इसरो की, उनसे भी तमाम कम्युनिकेशन यहाँ पर होता रहता है। और साथ ही जो सैटेलाइट्स हैं या जो बाकी स्पेस मिशंस हैं उनको जब लॉन्च किया जाता है तो उनसे रिसीव होने वाला, उनसे मिलने वाले डेटा जो है वो भी इसी सेंटर के ऊपर एनालाइज किया जाता है, उसे देखा जाता है। इस तरीके की तस्वीरें हैं, हो सकता है कि आपने पहले भी कई बार देखी हूँ। इसी तरीके का एक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि इस ट्रैक के अंदर है, यहाँ पर इस तरीके की बड़ी वॉल्स लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये करीब आधा दर्जन वॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अलावा इस तरीके से साइंटिस्ट और जो मिशन टीम्स हैं उनके बैठने की जगह है और करीब करीब 60-70 से ज्यादा वैज्ञानिक जो हैं वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा इस ट्रैक बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले जब इसका ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम जो है वो इनिशिएट किया जाएगा, उसे शुरू किया जाएगा, तो उस तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी इस तरीके से जब ये चल रहा है, यानी चंद्रमा की कक्षा के अंदर ये आगे बढ़ रहा है, चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, तो इसकी दो वेलोसिटी है। एक इसकी वेलोसिटी जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रही है, और उसके बाद एक वेलोसिटी इसकी जो कि नीचे आने की वेलोसिटी होगी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इन दोनों को घटाया जाना है, इन दोनों को जीरो पर लाया जाना है ताकि ये लैंड कर सके। और जिस समय ये लैंडिंग की प्रक्रिया में शुरू करेगा उस समय में इसकी जो गति है, इसका जो वेग होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी करीब करीब 6048 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1680 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा होगा और उसके बाद इसे जीरो किया जाना है। और इसके कई चरण हैं और इस चरणों के अंदर सबसे पहले रफ ब्रेकिंग
का जो होगा ये विक्रम का डिसेंट जब शुरू किया जाएगा, उसके बाद रफ ब्रेकिंग का फेज होगा, यानी इंजन फायर किए जाएंगे और उसके बाद जो इसकी रफ्तार है वो इंजन के थ्रस्ट के कारण उसको रोका जाएगा। यानी ये 1680 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जैसे ये बढ़ रहा है उसको इंजन के थ्रस्ट के साथ में घटाया जाएगा, कम किया जाएगा। उसके बाद ये फाइन ब्रेकिंग जो है फेज वो स्टार्ट होगा। फाइन ब्रेकिंग फेज के अंदर यानी करीब ये 800 मीटर की जब ऊंचाई के ऊपर होगा चंद्रमा की सतह से, तो वहां से फाइन ब्रेकिंग का फेज शुरू होगा। ये फाइन ब्रेकिंग का फेज वो फेज होगा जिसके अंदर इसकी दिशा को ठीक किया जाएगा, यानी इसकी दिशा को जो एडजस्ट है वो किया जाएगा ताकि ये अच्छी तरीके से लैंड कर सके। और उसके बाद जैसे इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, उसके बाद इसकी दिशा को इस तरीके से चेंज किया जाएगा ताकि ये नीचे आ सके। और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस के ऊपर फिर वर्टिकल डिसेंट इसका शुरू होगा। और ये वर्टिकल डिसेंट जैसे ही नीचे आएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो काउंटडाउन या कहा जाए ये डिटेल स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स चंद्रयान दो के हैं, लेकिन इस बार सेंट्रल इंजन इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये करीब जब चंद्रमा की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके अंदर एक फ्री फॉल होगा, यानी इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो इंजन बंद कर दिए जाएंगे ताकि ये कुछ इस तरीके से नीचे आ सके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और उसके बाद जो सबसे कठिन चैलेंज है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये करीब करीब 17-18 मिनट के अंदर पूरे होंगे और 5:45 का वक्त होगा। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, 5:45 का वो वक्त होगा, जबकि ये जो प्रोसेस है इसके लैंडिंग की प्रोसेस तो वो शुरू की जाएगी 23 अगस्त को, और 6:04 का वक्त वो माना जा रहा है जब ये लैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसके जो पैर हैं वो चंद्रमा की धरती के ऊपर चंद्रमा की जमीन को टच कर जाएंगे। और टच डाउन के इस समय से पहले करीब 17 मिनट की ये पूरी प्रक्रिया होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें पावर डिसेंट का चरण शुरू होगा, उसके बाद ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंसर ये इनिशिएट किया जाएगा, इसको चालू किया जाएगा। इसमें ब्रेकिंग फेज और लोकल नेविगेशन फेज दोनों ही जुड़े हुए हैं। ब्रेकिंग फेज में लैंडर जो है 25 किलोमीटर की ऊंचाई से करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर आएगा और उसके बाद फिर फाइन नेविगेशन का फेज शुरू होगा। और इस 17 मिनट के अंदर सबसे पहले तय लैंडिंग साइट जो कि सुरक्षित है पहले से, जिसके फोटोग्राफ्स जिसका डेटा इसके अंदर पहले से स्टोर है, इसके अंदर AI का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बहुत सारे जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि ये यहाँ से जमीन से इसको बहुत ज़्यादा नेविगेट करने की ज़रूरत ना पड़े। जो मिशन के कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स हैं, जो कि इसके अंदर एक कंप्यूटर है जिसके अंदर ये तमाम डेटा स्टोर है, उसके आधार पर ही ये फैसला ले सके। और ऐसे में करीब 7 सेकेंड का वक्त जो होगा वो एक टाइम विंडो होगी कि अगर ये देखता है कि नीचे अगर जमीन उबड़ खाबड़ है, कोई क्रेटर है, कोई गलत जगह पर ये लैंडिंग करने जा रहा है, तो उस समय इंजन्स एक बार फिर थ्रस्ट फायर कर किए जाएंगे कुछ सेकंड के लिए ताकि ये अपनी जगह नज़दीकी किसी सुरक्षित जगह पर उतर सके। और साथ ही लैंडर 10 मीटर की ऊंचाई से जब फ्री फॉल करेगा, टच डाउन करेगा और लैंडिंग सॉफ्ट हो सके, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम इसके अंदर किए गए हैं। Z News.